नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं प्रशांत शर्मा। अभी कुछ दिनों पहले ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन ने एक विवाद के चलते एशेज सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम की कप्तानी पद से इस्तीफा दिया था। ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन की तत्कालीन महिला सहयोगी के साथ 4 साल पुरानी बातचीत के बाद हाल ही में चर्चा होने के बाद उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। पेन ने 2017 में क्रिकेट तस्मानिया में एक सहकर्मी को कई अनुचित संदेश भेजे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ़ी भी मांगी थी। अब जब यह मुद्दा दोबारा उठाया गया है तो इस पर पेन की पत्नी बोनी मेग्स ने अपनी निराशा जाहिर की है। टिम पेन की पत्नी ने बयान देते हुए कहा कि मेरे पास गुस्सा करने, इससे बाहर निकलने और परेशान होने का समय था। हम लड़े, हमने बात की और फिर हम दोनों जीवन के साथ आगे बढ़ने लगे और इसे एक साथ करने का फैसला किया। मैं थोड़ी निराश महसूस करती हूँ कि जब हमने इस बात को वर्षों पहले अलग रख दिया तो इसे जनता में लाया गया और प्रसारित किया गया। मैं इससे आगे बढ़ चुकी हूँ, मुझे लगता है कि इसे फिर से घसीटे जाने के लिए बहुत अन्याय है। आपको बता दें कि टिम पेन की शादी साल 2016 में हुई थी और ये हरकत उन्होंने साल 2017 में की थी, जिसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को भी बताया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी से माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन उस समय उनकी पत्नी काफ़ी निराश थी। हालांकि अब टिम पेन की पत्नी ने कहा कि उन्होंने अपने पति के भद्दे संदेश वाले कांड के लिए माफ़ कर दिया है और वो इसके लिए निराश हैं, मगर इस बात को दोबारा उठाए जाने पर उन्हें अब और भी ज़्यादा निराशा हो रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।